नमस्कार। आज मेरे साथ है भवेश शर्मा जी, ये सूरत के ही रहने वाले हैं। इनको 2009 से आईबीएस की प्रॉब्लम हुई थी। इन्हें जब यहाँ पर हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे, उससे पहले इनको दिन में लगभग 12 से 13 बार टॉयलेट करने के लिए इन्हें जाना पड़ता था। और जब इनको शुरुआत हुई थी तब इन्हें क्या दिक्कतें होनी शुरू हुई थी वो आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे आपका आईबीएस पुराना होता है, इन्होंने बताया 2009 से प्रॉब्लम थी, इसका मतलब यहाँ 2022 चल रहा है, बिल्कुल 23 आपका स्टार्ट होने वाला है, तो कितने साल, लगभग कई साल निकल गए आपको इस बीमारी में। तो जब पुरानी हो जाती है तो उसके बाद में कैसे कैसे स्टेप चेंज होते हैं इसके, वो आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो आप भी समझ जाएंगे कि आईबीएस जो है लोगों को कितना परेशान करती है और हैरान करती है। तो भावेश जी, आप ये बताइए कि आपको स्टार्टिंग में जब मतलब शुरुआत हुआ था तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी वो बताइए सर। तो पहले जो शुरुआत हुई थी मुझे 2009 में हुई थी, थोड़ा खान पान थोड़ा ख़राब था और लाइफ स्टाइल भी, तो वहाँ से मेरे को कब्ज चालू हो गया था। दो दो तीन तीन चार चार दिन तक कब्ज में से आता ही नहीं था, स्टार्टिंग में इन्होंने बताया कि दो तीन चार दिन तक इनको टॉयलेट ही नहीं होता था, और एक समय ऐसा आ गया कि दिन में इनको 13 बार जाना पड़ता था। और बताइए, फिर वो स्टार्टिंग हुआ, फिर मैंने वो उस टाइम कुछ इतना ना नेट था ना इंटरनेट यूट्यूब कुछ नहीं था, तो घर से ही कायम चूर्ण लेना, कभी कुछ चूर्ण ले लिया, कभी आया कभी नहीं आया, तो ऐसा चलता रहा वो 2012 जब तक मैं पास आउट हुआ। तो फिर मैंने एक साल का ड्रॉप ले लिया, क्योंकि वो मैं डिप्रेशन जैसा हो गया था, मैं 2011 में डिप्रेशन में चला गया था, और घर पे ही पड़ा रहता था, कुछ ना वो लेटरिंग आती थी ना कुछ होता था, तो एकदम माइंड ब्लॉक ही रहता था, तो वो वैसा हो गया था। तो फिर वैसे वैसे फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो कॉलेज में फिर क्या हुआ, 2012 में मुझे टाइफाइड हो गया। अच्छा, ठीक है। फिर 2013 में चिकन पॉक्स हुआ, उसके बाद मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद लू मुझे लग गया। ये चार पांच जो बीमारी थी मुझे एक साथ, मतलब छः छः महीना दो दो महीना गैप आया, तो उससे मेरा सी डी बन गया। और जब मुझे इन्होंने बताया कि टाइफाइड हो गया था, उसके बाद इन्होंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवा दिया। तो मैं आपको पहले भी बताता हूँ, अगर आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो उसे रिमूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो आपको डायरिया का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो अच्छे बैक्टीरिया है आपके कोलोन के अंदर उसको अच्छा रखता है, यानी जो अपेंडिक्स है वो हमारे कोलोन के लिए अच्छा है, जो अच्छे बैक्टीरिया जहाँ पे होने चाहिए वो वहाँ पे भेजता है, यानी कि हमारी आंतों की रक्षा के लिए वो रहते हैं। लेकिन जैसे हम उसे निकाल देते हैं तो दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाती है। और इन्होंने बताया कि इनको टाइफाइड हुआ था, तो टाइफाइड का जो बुखार है वो भी हमारे जो छोटी इंटेस्टाइन होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, उसके अंदर इन्फेक्शन करती है, तो वो भी इन्फेक्शन भी हो गया, और इन्होंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करा रखा था। तो धीरे धीरे जो है इनकी जो समस्या है वो मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ गई। फिर आप क्या हुआ, जो अपेंडिक्स के बाद 2015 में ये सीवियर हो, मतलब बहुत खराब हो गया था, मतलब ऐसा कि मैं जॉब भी दो महीना कर पाता था, फिर छोड़ देता था, एक साल घर पे, फिर छः महीना जॉब, मतलब बहुत ख़राब होते था, फिर ऐसे चलता। फिर मैं एक सूरत के बहुत बड़े डॉक्टर है, आईबीएस के बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ मैंने स्टार्टिंग किया ये ट्रीटमेंट। और उससे पहले मैं करता था सिविल हॉस्पिटल चला गया, फिर या छोटे मोटे डॉक्टर या नागपुर चला गया, वहाँ मैं करवाता रहता था। फिर वहाँ से 2018 से मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर है सूरत के, तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया। तो उन्होंने स्टार्टिंग किया तो उन्होंने क्या किया कि गोली इतनी थी कि सुबह 9 गोली, शाम को 9 गोली, दोपहर में 5 गोली, ऐसे मैं पूरा गोली लेता था। तो उसमें क्या, रात को नींद की गोली रहती थी, तो एक साल तक तो वो नींद आती थी। उसके बाद मुझे बीपी की प्रॉब्लम चालू हुई, ये 2019 की बात है। फिर मेरा बीपी हाई रहना, सर मेरा उठते ही दर्द करता था, और मेरा सर दर्द सही नहीं होता था, मैं नीम सुलाइट ले लूँ या पैरासीटामोल प्रोसिन ले लूँ, तो वैसी मेरे को प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो गई थी 2019 में, ये लॉकडाउन से पहले की बात। और मैंने एक पार्टी थी, मतलब जो कंपनी की तरफ से, मैं उस टाइम बेंगलोर में था एक बड़े स्टार्टअप में, तो उधर कंपनी की पार्टी थी, तो वहाँ पनीर का कुछ मतलब पूरा कोर्स था, तो मैंने, मुझे पता नहीं था पनीर इतना, मैं थोड़ा थोड़ा, तो मैंने पनीर ज़्यादा खा लिया वहाँ पे, तो पनीर एलर्जी था मेरे को, तो उससे मेरे को उस दिन मैं 60 से 70 मतलब बाथरूम में ही रहा ऐसा, और पानी की तरह वो ऐसा हो गया। तो मैंने उसी दिन जॉब छोड़ के बेंगलोर से डायरेक्ट सूरत आया, उसके बाद मैंने जॉब ही नहीं की, मतलब ऐसी ख़राब हालत हो गई।
और मैं कुछ भी खाता था, और उसमें उसके बाद म्यूकस चालू हो गया मेरा, क्योंकि मैं एलोपैथी ज़्यादा लिया तो उससे गर्मी होगी, उससे पहले नहीं होता था। एलोपैथी आप 3-4 साल लोगे ना, आपको म्यूकस बहुत सीवियर हो गया, खराब हो गया। तो म्यूकस आता था, यूडीएफ आता था, 10 से 12 बार तो नॉर्मल हो गया था। मैं आज से आपको बता, 13 साल से मैं कोई शादी में नहीं गया हूँ, ना मैंने कोई फंक्शन अटेंड किया है, ना कोई बाहर का तो छोड़ दो कुछ खाया होगा। और सूरत के जितने बाथरूम हैं जिस कॉम्प्लेक्स में, वो मेरे को सब पता है। मतलब इतना वो सीवियर प्रॉब्लम है मेरा कि मैं मतलब कोई रेस्ट कहीं पर भी जाऊँगा पहले बाथरूम ढूंढूंगा, इधर है नहीं, कभी भी आ सकता है दौड़ना पड़ेगा। वो वैसी स्थिति थी, ऐसी खराब मतलब स्थिति में यहाँ पे आया था। आपने एलोपैथी करवाया था, तो उसकी वजह से आपको फिर डायरिया होना शुरू हो गया। उसके बाद में आपने और क्या करवाया, मतलब एलोपैथी के अलावा? और एलोपैथी के अलावा मैंने होम्योपैथी का जो नूम्स मॉमी का होती है, जो मदर टिंचर की जितनी आती दवाई, मैंने दवा के सबसे भी ऐसा नहीं एक लिया। आप मेरे घर में 4 अलमारी है, एक में होम्योपैथी, एक में आयुर्वेदिक, एक में एलोपैथी है, और एक में सब ऐसा पड़ा है वो पाउडर वाउडर सब। तो मैंने होम्योपैथी के सुबह 8 ड्रॉप ऐसा सब मैंने दवाई ली, उससे कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने आयुर्वेदिक भी, जो टीवी में एक आता है बहुत, मतलब यूट्यूब पे भी बहुत उनका फेमस है, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत फेमस है वो, तो वहाँ से मैंने लिया। तो वो क्या, कब्ज की दवाई देते थे, मेरे को डायरिया था तो कब्ज, तो मेरे जॉइंट सब कड़क हो गए थे, वो कब्ज हो गया मेरे को, उन्होंने दिया डायरिया को रोकने के लिए कब्ज। मेरा पूरा बॉडी मेरा कड़क हो गया था, जॉइंट मेरे हिलते नहीं थे। तो फिर मैंने वो दवाई, मैं बोला ये तो है नहीं, ये कहाँ संभालूंगा, ये तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके अलावा मैंने एलोपैथी बहुत खाई, 5 साल से, 2018 से खा रहा हूँ लगभग 4 साल से। वो एक बार की उनकी फीस जो सूरत के जो नामी हैं जब जानते हैं, 1500-2000 उनका, और दवाई भी वो 5000 की लिखते हैं, 15 दिन की 5000 की दवाई लेते हैं उनका एक ही एस। और वो उसमें वो जो सब गोल है, सब सुबह 9 गोली, शाम को 9 गोली, वो ड्रग्स ही ड्रग्स, वो मैंने बहुत लिए, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ना होगा। मैंने 3 बार इससे पहले एंडोस्कोपी भी कराई है, उससे मेरा ये वॉल भी ज़्यादा एंडोस्कोपी कराई तो ये भी ढीला हो गया, उससे भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई, ऐसा हो गया। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, अभी लगभग इनको 1 महीना 10 दिन हुआ है आज, ठीक? 1 महीने 10 दिन में आपको कितना परसेंट रिजल्ट आया, और अब आपको कितनी बार जाना पड़ता है वो बताइए। मुझे एक बार ही जाना पड़ता है, और मेरा कम से कम 90% एकदम बराबर है। मैं पहले दिन 90% मतलब 90% ये ठीक हो चुकी है। मैं पहले दिन आया था तो सर ने एक ही चीज़ बोली थी कि सही तो मैं कर दूंगा, सही रहना तुम्हारा काम है, मैं यहाँ 1-2 महीने में तुम्हें सही कर दूंगा, लेकिन इसके बाद सही रहना तुम्हारा काम है, तुम डाइट कैसे लेते हो, नींद कैसे लेते हो, वैसा रहता है। मैं पहले 7 दिन आया था तो इतना रिजल्ट नहीं मिला था, मैं जो है बता देता हूँ, 7 दिन में मेरे को कुछ फर्क नहीं था, ऊपर से बॉडी पेन बहुत होता होता और बुखार। लेकिन 8वें दिन मेरा 2 टाइम हो गया, 12-15 टाइम था 7 दिन तक, और बॉडी पेन होता था, बुखार, लेकिन 8वें दिन मेरा 2 टाइम हो गया। फिर आज मेरे को एक टाइम, मैंने कुछ 13 साल बाद ही मेरा स्टूल एकदम पूरा वो जो रस्सी जैसा आया होगा, ये 13 साल बाद ही हुआ है, उससे पहले पानी जैसा ही आता था, तो वहाँ तक पूरा हुआ, एसिडिटी कम हुआ धीरे धीरे सब। जब ही स्टूल अब इनको बंद के आने लगा है, यानी देखिए जब कोई भी थेरेपी लेता है तो स्टार्टिंग में उसका वेट लॉस होता है, लेकिन जैसे अंदर के ऑर्गन्स आपकी आंतें मजबूत हो जाएंगी तो फिर आपका स्टूल बंद के आना शुरू होगा। बंद के आने शुरू होने का मतलब ये है कि आपके आंतों में जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं वो एब्जर्ब होके फिर बाहर निकल रहा है, ठीक है? ऐसे अनपचा नहीं निकल रहा है, या डायरिया के द्वारा पानी की तरह नहीं निकल रहा है, ठीक है? तो जैसे पचना शुरू होगा, आपका स्टूल बंधना शुरू होगा, वैसे वैसे धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी आएगी और आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो जब थेरेपी लेते हैं उस टाइम पे भी आपका वेट अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे बीमारी से कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, परेशान है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सभी ने बता दिया यहाँ करा लो, वहाँ करा लो, इधर चले जाओ बाबा के पास चले जाओ, यहाँ दिखा लो, सब कुछ करा लिया फिर भी नहीं पता चल रहा है, तो आप आके ट्रीटमेंट हमारे पास करवा लीजिए। आपका जो डायरिया हो, या IBS-C है, या IBS-D है, या मिक्स है, या आपको स्टार्टिंग ही है, सब कुछ ठीक हो सकता है। इनको बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए 2009 की प्रॉब्लम 2022 में अगर ठीक हो रही है तो कई सालों का गैप है इसमें, और मैं, मेरे लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और इधर उधर भटक रहे हैं। मैं सबको यही बहुत बात बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर सही हो गया,
दुनिया में कोई भी आदमी सही हो सकता है। जब मेरा 13 साल, मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं था, आपको तो थोड़ा अभी सर्कटरी, अगर से मेरे को 2010-15 में मिल गए होते तो आज कुछ अलग ही हो जाता। तो आपको यहाँ आना चाहिए और 2-3 चीजें आपको लेके आना, पहले पेशेंस आपको लेके आना है कि आपको कम से कम 1.5-2 महीना आपको देना है, 1-1.5 महीना, क्योंकि ये पेशेंस का गेम है धीरे धीरे, क्योंकि ये जड़ से मिटाने वाली चीज है तो इसमें टाइम लगता है। दूसरी बात, आप डिले मत करो, जैसे मैंने भी इनको 6 महीने पहले मैसेज किया था कि मेरे को आना है, लेकिन मन होता है ना कि आज जाऊं कल जाऊं परसों जाऊं, तो वो डिले नहीं करना है। जो जहां ये वीडियो देख रहा है उसको आज के आज बैग पैक करके कल सुबह आ जाना, अगर सही होना है तो। नहीं होना है अगर टाइम पास कर रहे हो कि ये हो जाता वो हो जाता तो नहीं। देखिए आजकल लोगों को जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं इधर उधर जा जाके, तो उनको विश्वास नहीं होता है। इसलिए आदमी एक बार दो बार 8-10 बार वीडियो देखता है, उसके बाद आके यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, तो उसको मिलता है। और